सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। सेहत विभाग की ओर से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी अस्पतालों में तैनात बच्चों के माहिर डॉक्टरों ने अपने पदों से इस्तीफा देकर निजी कार्य शुरू कर लिया, जिसके चलते राजपुरा के सिविल अस्पताल की ओपीडी में बने डॉक्टरों के कमरों को ताले लगे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे बच्चों को सिविल अस्पताल में लेकर आने वाले मरीजों को घंटों बैठकर निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, जिससे मरीजों व उनके परिजनों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इतने बड़े सिविल अस्पताल को जहां 30 डॉक्टरों की जरूरत है, वहीं केवल 15 डॉक्टरों से काम चलाना पड़ रहा है। गौरतलब है कि राजपुरा का सिविल अस्पताल सब डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल है। इस अस्पताल में दूर दूर से मरीज अपने परिवार व बच्चों के साथ विभिन्न बीमारियों का इलाज करवाने के लिए आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक करीब 200 बच्चे विभिन्न बीमारियों के चलते माहिर डॉक्टरों के पास चेकअप करवाने के लिए पहुँचते हैं। सेहत विभाग के कार्यों से परेशान होकर 15 जनवरी को बच्चों के माहिर डॉक्टर मंजीत सिंह ने भी सिविल अस्पताल को त्याग पत्र देने के बाद अपना निजी अस्पताल शुरू कर लिया। आलम यह है कि अस्पताल में लंबे समय से कार्यरत एकमात्र बच्चों के माहिर डॉक्टर को भी सेहत विभाग रोक नहीं पाया, जिसके चलते मरीजों को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब हमने इस संबंध में बच्चों के माहिर डॉक्टर मंजीत सिंह से बात की तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से त्याग पत्र के संबंध में हमें जानकारी देते हुए बताया कि तुसी सरकारी अस्पताल च एज ए सरकारी डॉक्टर बच्चों का इलाज कर रहे थे, स्पेशलिस्ट थे बच्चों के, तुसी किस एजी वजह कह जी वजह रही है भी तुसी सिविल अस्पताल नूं अपने सरकारी नौकरी नूं त्याग पत्र देता, लोग सरकारी नौकरियां दे पिछे भजदे आ दी रेडी च, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜੀ ਵਜੇ ਰਹੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜਨਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਲੋਡ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਹੱਥ ਲਾਓ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚੋਂ ਫੋਨ, ਕੋਈ ਲੇਬਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਖੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਮਦਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30 ਬੈਡਡ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਢੋਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਔਖਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ SMO-ship ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਰਗੋ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਭਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰੀਝ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। जब हमने इस संबंध में सिविल अस्पताल के SMO डॉक्टर रंजीत सिंह से बात की तो उन्होंने इस सारे मामले के बारे में क्या कहा, आप खुद ही सुने। सर, सरकारी हॉस्पिटल बच्चे का कोई डॉक्टर भी नहीं है, इस करके जड़े बच्चा दिखाने आ रहे हैं माँ प्यो उन्होंने बड़ी दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, डॉक्टर मनजीत साढ़े को जो पेडियाट्रिशियन से उन्होंने कुछ अपने निजी कारण करके रिजाइन दे दिता, उन्होंने रिजाइन मंजूर भी हो गया सरकार वालों, तो उन्होंने असी 17 तरीक में रिलीव भी कर दिता है। तो इस वे सू हॉस्पिटल कोई बच्चों का डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, बड़ी दिक्कत वाली गल है। इस बारे असी सिविल सर्जन साहब ने भी दस दिता हुआ है, तो सरकार को पहला ही असी अपने उच्च अधिकारियों को इस संबंध के डॉक्टर मनजीत दे रिजाइन करन तो पहला तो ही दस दिता गया, तो असी उम्मीद करते हैं कि बड़ी जल्दी सानू पेडियाट्रिशियन मिल जाएगा। ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਬਡਾਲੀ ਮਾਇਕੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਰੇ ਫੀਸਾਂ
घट हाँ पर डॉक्टर है नहीं मतलब डॉक्टर लिया जाए। आपको यहाँ बताना जरूरी है कि अगर आगे भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के त्याग पत्र का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो आने वाले समय में गरीब व जरूरतमंद लोगों को काफी परेशानी के साथ साथ अपनी जेबों को ज्यादा ढीला करना पड़ सकता है। सेहत विभाग को चाहिए कि इस ओर विशेष ध्यान दे। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, दिनेश सचदेवा, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।